85 मुल्क मैं फाइनल कहता हूँ मैंने सोच समझ नहीं आ रही क्यों नहीं दे रहे की वजह की बैठे हो गर्मी में बैठे हो है कोई कस्टमर नहीं है अज इतवार है किसी को कस्टमर नजर आया तो सारा दिन कोई भी नहीं है कस्टमर मैं आप देख रहे हैं जो नसीब साढ़े रिस्क लिखा है ना लेकिन जनाब इनको देना चाहिए इंतजार करना है मेहनत संभाल लो ना ठीक मगर ओनू माल का बड़ा सोहना रेट मिल रहा है इना मेनू पता है क्योंकि मेरा काम पूरा 12 महीने है जी जनाब अल्लाह बजाय की मांग रहे सही मंगी मैं तो दस रहा है साढ़े तीन लाख अब मैं कह रहा 2-10 बाकी अब आप देखिए 2-10 हाँ भी जवान एक पांच लगा रहे हैं भाई जान कोई हल्का मूल नहीं लग रहा यार अब बताएं जनाब फिर आप कहते हैं कि जनाब आमिर भाई रेट ज्यादा लगा देते हैं और यहाँ देखिए जी अल्लाह बसाया आया 2 दिन हो गए हैं इसको 2 दिन हो गए कल आए हो कल आए हैं की गल है पता नहीं की सोच के जनाब रखे है माशाल्लाह जनाब कुर्बानी ले ली आपने माशाल्लाह अभी पैसे हमने देने हैं ना चले अल्लाह खैर करे वो भी दे देंगे इंशाल्लाह क्या बात है जी बहुत अच्छा लगा जनाब अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए ठीक है आला दर्जा में क्यों भाई खुश हो अब हैं चलो अब अच्छा अच्छा पढ़ना है अब आपने यार इतनी गर्मी के अंदर कस्टमर ये भाई ने पहले लगा दिए हुए हैं मैं लगा के चलूंगा मगरिब के टाइम पे मैं कहा शायद अब इसको ख्याल आ जाए गलती आ गई दे देते हैं लेकिन दे ही नहीं रहा लगते हैं पक्के होकर बैठे हैं इनकी बात सही है ये पेड़ भरे में जमींदार अच्छे पक्के लोग हैं ना मैंने क्या कहा ये प्लॉट में ठीक है नहीं फिर भी बंदा यार इतनी स्ट्रगल कर आता है यहाँ पे बंदा कहता है कस्टमर को बंदा दे के भेजे ये तो कह रहे हैं पता नहीं क्यों आमिर भाई जी जी यार जिनके पेट पहले से भरे हैं तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता मैं ये कह रहा हूँ कि यार अगर कुछ फर्क होता है चलो बंदा बात करता है ये बात भी नहीं हो रही है मैं ये भाई तो मुझे वो एंड से लेके आए हैं तो बहुत महंगा है देख के देख के आप गौर करें मैं 2000 बढ़ाने का दिल कर नहीं भाई वो पीछे से आवाजें दे रहे हैं और कहेंगे कि जनाब ये लेके जाए बुला रहे हैं जी आमिर भाई सुनो गल इससे ऊपर तो नहीं आएंगे हाँ भी शादा दियो की गल है यार दियो भी आए हो85 मुल्क मैं फाइनल कहता हूँ मैंने सोच समझ नहीं आ रही क्यों नहीं दे रहे की वजह इन्हें तो कह रहे मैं रास्ते चे इन्होंने यार एक मिनट मेरी गल सुनो यार जनाब इन्होंने तो मैंने कहा कि मैंने 80-80 लगाए हैं ऐसे जरा बिजला बंदा सी उन्हें अपने लो 5-5 10 हज़ार रुपए बताता उन्हें फड़ के कराए ने उन्होंने हां सही गल है ठीक है कह रहे मगर मैं 80 किया चलो उन्होंने 85 किया है ना तो ओके कर लो ए जनाब मेनू खान वास्ते लेके आए ने कि जनाब एक बारी देख लो सानू वारे हम जी बताया भी है जरूरी ये काफी नजर दिखानी है वो भी कह रहे ने तुसी बहुत अच्छे लाते ने पैसे नहीं सही है जनाब जी एदे बेचे कोई मसला मसाइल है ही नहीं हुन कि तुसी सोचो इस बारे चे भी सोचो घेरे च तुसी बैठे हो गर्मी विच बैठे हो हैं कोई कस्टमर नहीं है अज इतवार है किसी को कस्टमर नजर आया तुहानू सारा दिन कोई भी नहीं है कस्टमर मैं आप देख रहे हैं जो नसीब साढ़े रिस्क लिखा है ना लेकिन तुसी इतना जनाब इनको देना चाहिए वो मिल जाना इंतजार करना है वैसे इनको जितना रेट दे दिए भाई को देना नहीं चाहिए चलो जनाब चाहिए बस वही वजह है
चलो कोई नहीं, अल्लाह तुम्हें दे, अल्लाह दे, दे छोड़ो उसी वैसे ख्याल नहीं किया दूसरे का, ऐसे ऐसे तो ले तो इससे बेहतर लग जाएंगे पैसे कमा देवे भाई। नहीं मेरा भाई, मैं कमा नु, मेनू अगर 5000 रुपए नफा मालूम होता ना, नहीं 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 फिर तो मैं और कुछ नहीं कह सकता। एक रात दी मेहनत संभाल लो ना, कोई साडा हक इतना नहीं दे सकदा, 360 दे इवें गुजार दे जी इत्थे गुजारी बैठे, उन्हां दी कदर नहीं करे जेड़े लेके जाना चाह रहे ने पैसे दे के, ओ जेड़े स्टॉक विच आए ने जेड़ा मुल्ला के चले आंदे ने, बकरियां रखियां ने या ए जेड़ी कितनी खुराक पे कोई घरे फैक्ट्री लगी हुई है खरीददे हैं जनाब चलो जी ओके करो पैसे दियो नसीब चेके जावा चौधरी ओके हो ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਿਉਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਸਮਝ ਆਤੇ ਹੈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਣੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦਿਆ ਪੈਸੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹਾ ਹਾਂ ਯਾ ਜਵਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ क्योंकि मेरा काम पूरा 12 महीने है ठीक है। मेरा भरा नु मेरे भरा नु चाहिए के खुशी नाल ना कहे कि जनाब बिस्मिल्लाह करो एक दिन दो इंतजार कर रहे सुन ले जो इंतजार करने वाले इंतजार करने वाले हैं क्यों अमर भाई चलो कोई नहीं जनाब नहीं वो तो फिर हमने इंतजार थोड़ी करना है ठीक है और ये बाप के सामने है अमर भाई इनको लगे को जानना है हम मस्जिद बनने को देख लो चीने बकरे के कोल ने ओ परले पास ने ठीक है मैं वे लेना आए जरा कहां है भाई ये देखने एक मिनट 92 सुबह के ब्लॉग में आते करवाया था यहां पे हां जी 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 हां जी आप लोग यहां पर बैठे हुए हैं हम आगे अभी पहुंचे ओ यार किसके पास बैठे हो मकबूल के पास बैठे हो आप लोग ओए होए एक इतने अल्लाह बचाया भी है ते एक इतने मकबूल भी है उसी मेरे कितने कितने खींच के ले आए हो जनाब अल्लाह बचाया भाई की हाल है आज दोनों भरावां ने काले सूट पा ले ने हाँ मेनू इंज ही लग रहा है जी जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह बचाया बड़े सोने सोने दाने ले आए ओए होए वाह जी वाह वाह जी वाह ए अल्लाह बचाया जरा थोड़ा पीछे लेके जाइए जरा बड़ा अगे आया तू नहीं आ रहा पूरा बिच हाँ ये देखे जी जी जनाब अल्लाह बजाय की मांग रहे सही मंगी मैं तो दस रहा है साढ़े तीन लाख मुँह चौगे इधर करी सज्जे हाथ कर लंबे कर लंबे इधर नो सज्जे हाथ लंबा कुहा ना वेल कुहा बकरे की होर पर लैके जा बस ये देखे जी माशाल्लाह आ इसी तरह मुंह फाड़ ला बस परा हो गए मुंह फाड़ ला दोनों हाँ इंज बस ठीक है ये देखे जी हाँ भी जी ब्रदर 3.5 मांग रहा है इसकी बात की थी दोनों की लगाए बस दसो उन्होंने पता है दो दस कह दिया प्लस
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੰਡੀ ਫਿਰਦੇ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਡੀ ਚ ਫਿਰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਕਰੇ ਜਾਨਵਰ ਵੇਖਦੇ ਗਲਤ ਮੋਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੰਜ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਹੈ ਭਾਈ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਮਸਲ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਖੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਇਸਕੋ ਆਰਾਮ ਸੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਵੀ ਜਵਾਨ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਲੋਕ ਹੈ ਵਾਲਾ ਪੇੜੀ ਇਹ ਨਿਕਦਾ ਵਾਲਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਆਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਸਾ ਹਾਂ ਉਹਨੇ 360 ਕਹਾ ਸਾ इन्होंने बाद में तीन कह दिया चलो खैर वो कहते मैंने नहीं कहा वो बात खत्म पिछली गल खत्म ठीक है तो मैंने दो कह दिया था अच्छा ठीक है अब मैं कह रहा दो दस बाकी अब आप देख दो दस हाँ भी जवान एक पांच लगा रहे हैं भाई जान कोई हल्का मुल नहीं लग रहा हाँ सही मैं दस रहे हैं अल्लाह बचाया की गल है अच खैर है ना कर यार ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਈਦ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਾਰ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਸਾਨ ਕਰੋ ਯਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੋਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਾਨਵਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਫੇ ਭਾਈ ਜੰਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮੋਲ ਆ ਉਹ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਦੱਸੋ ਫਾਈਨਲ ਐਟੋਰਾ ਮਾਰੀ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਜਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣੀ ਸੀ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਆਏ ਮੇਰੇ इधर आए अच्छा मुझे ये बताएं ये जानवर हैं तकरीबन कोई ना 37 से 40 मीट वेट के अंदर आएगा ठीक है ये बारी जा रहा है हल्के नहीं है तकरीबन ये बनेंगे आपके 115 में एक पंद्रह दें 2-30 की आवाज़ मैं एक बात करूँ इतने के हो सकते हैं दे? तो शायद ऊपर 5-10 वो हमें निकालना पड़े ज़बरदस्ती सर 35 तक चला जाइएगा 2-30 की आवाज़ जवान इधर मेरी गल सुन दो दस कहता है ना मेरी गल सुन दो दस कहता है ना तो मेरा भरा दस उत्ते बता चल लिया बाहर जाने वाले अल्लाह वसाया वी पंजी च कोई मूड है फिर किन्ने च मूड है तू देन वाली गल नहीं कर रहा नहीं तू कह रहे आमिर भाई ना लाजे ना मैं सर पाड़ना है फिर 3 लाख नहीं 3 लाख वाली चीज ही नहीं है नहीं है नहीं है चल 10 फिर लिया ना थले पैसे नहीं फिर तू देने वाली गल ही नहीं कर रहा फिर किन्ने च देने नहीं पक्की गल कर देना फिर लो जनाब यार की गल है अज केड़ी अज की खादा है रोटी च यार अब बताएं जनाब फिर आप कहते हैं कि जनाब आमिर भाई रेट ज़्यादा लगा देते हैं और यहाँ देखें जी अल्लाह बसाया आया दो दिन हो गए हैं इसको दो दिन हो गए कल आए हो कल आए हैं की गल है पता नहीं की सोच के जनाब रखे हैं अच्छा अल्लाह बसाया मेरी मेरी बात सुन कोई थोड़ी बहुत कसर ही काट लेने हैं यार मेरा भाई मैनू पता तू भी कमान आया है हाँ तेरा हक भी नहीं असी मारते है सानू पता है रब की राह ते देना उन्होंने भी रब की राह ते देना है हाँ ऐसी कोई गल नहीं है तो मैं कहना इन्होंने बाहर कढ़ पैसे फड़ आया बहिए की ख्याल है 30 दे विच गल हैगी वो हटके है मगर कोई ऐप नहीं है इसमें ठीक है।
ਅੱਲਾ ਵਜ਼ਾ ਅੱਜ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਬੱਕਰੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਦਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 30 ਲਾਤੇ ਨੇ ਕਿ 15 15 ਲਾਤੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲਾਈਏ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਫੇਰ ਅੱਜ 3 ਲੱਖ ਦੇਣ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਣੇ यार आज ही नहीं तो नहीं जरूरी दे देंगे आखिर इन्हें देन कुर्बान पहले ही घाट 35 तक केगा मूड 35 तक केगा नहीं होंगे चल नहीं होंगे फिर आज तू गाल नहीं कर रहा सही गाल तू जिम्मे उनके आ रहे ना नहीं होंगे ये चीज़ सानू नहीं समझ आ रही मैं तुम्हें सही दस ना जनाब जनाब अब मुझे बताएं जरा देखे मैंने 2:35 तक हम चले गए हैं और क्या बताएं अल्लाह वसाया अल्लाह बचाया तेनू अल्लाह बचाए ते सानू भी साडा भी ख्याल कर यार नहीं तुम्हारा ख्याल है साडा ख्याल है लेकिन जी जनाब आप क्या कहते हैं आप हां और सही लगा दिए पैसे मैं तो ये कह रहा हूं पता नहीं क्या सोच के बैठे हैं ये लोग यार बताओ कितने बकरे ले रहे हैं दो इन्होंने लेने हैं दो भाई ने लेने हैं दो उन्होंने लेने हैं छह बकरे छह बकरे छह बकरे लेने यार दो 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 35 कह रहे हैं वो 2:35 कहते ने और की हां नुकसान करनी है नहीं जनाब तू आज तू कसमें सही कर ले जनाब बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं हाँ कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि भाई जान के जनाब नो टेंशन है माल हमारा बिक जाना है बेशक इनका बिकेगा मगर एहसास करना चाहिए कि इंसान कैसे कमाता है और कैसे लेके आता है हाँ जी इनकी भी पूरे साल की मेहनत होती है मगर कीमत अच्छी है चले कोई 40-45 भी हो ना तो मेरे ख्याल से फिर भी बात बन सकती है मगर वो बंदा कह रहा है कि 3 से कम नहीं आएंगे यार ये मुश्किल काम है जी जनाब बताएं यार जनाब मैं कहना है पैसे बढ़ाओ पैसे बढ़ाओ पैसे बढ़ाओ पैसे बढ़ाओ पैसे बढ़ाओ जानवर जानवर चेक करो यार आप लोग जानवर चेक करो आप पूरे पैसे दें भाई जान छोड़ दें अकाउंट में है अकाउंट अपना अकाउंट है यार बंदे ने किया अकाउंट है हैं मैं पूरे पैसे देके जाऊंगा यहाँ पर आपको दुबला नजर आ रहा है आपको ठीक है हाँ जी माशाल्लाह से हो गया हाँ जी माशाल्लाह अच्छा हूँ मेरी गल सुन खुशी नाल तेनू हाँ खुशी नाल हाँ बस ठीक है खुशी नाल दवांगे तेनू बस जो कुछ उत्ते दवांगे ना खुशी नाल दवांगे बस कर यार हुण ना कर इन्ना तंग ना करो यार थोड़ी मेहरबानी है यार कोई भी नहीं यार थोड़े सारे और तुसी तुहानू पता नहीं किन्ने पाड़ा पड़ाता है यार अकाउंट नंबर मकबूल भाई मकबूल भाई लो भाई माशाल्लाह जनाब दुआ करो जनाब ये अकाउंट नंबर के अंदर पैसे ट्रांसफर हो गए फिर मुझे बता दीजिएगा कि आपका ये फाइनल हो गया ये ठीक है ये अकाउंट नंबर दे देना जी ये हो गया जनाब आप इसे 40 समझे चाहे 45 समझे ठीक है मगर ये फाइनल हो गया हुआ है तकरीबन 2:40 और कहा हमारे दो वो बिल्कुल सही लगाए थे हमने घर भी तो जाना है ना तो ताड़ा का रक्षा है कोई नहीं परदेसी बंदे इन्हें की बंदा जी ये ले लिए भाई ने ले लिए यार ये देखे भाई ठीक है नहीं 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 सही है माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है भाई आओ भाई यार कौन कौन है आ जाओ यार आ जाओ माशाल्लाह से कुर्बानी ली है आप लोगों ने 40 बंदे ने 45 आख्या यार यार एडा डाडा बंदा अपने पांच बधाई बैठा है माशाल्लाह जनाब कुर्बानी ले ली आपने माशाल्लाह अभी पैसे हमने देने हैं ना जी चल अल्लाह खैर करे वो भी दे देंगे इंशाल्लाह
क्या बात है जी, बहुत अच्छा लगा जनाब, अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए, ठीक है, आला दर्जा में। क्यों भाई खुश हो अब हैं? चलो अब अच्छा अच्छा पढ़ना है बाप ने, इसके पीछे नहीं भागना अब, ठीक है। हाँ छुट्टियाँ हो गई हैं, अभी पेपर चल रहे हैं जी। चले भाई क्या बात है। और अब आपने बताना है, एक वो पीछे जो भाई ने पहले लगाए थे 85 85, हाँ अगर उनका 75 पहले लगाया होता ना भाई ने, तो 82 80 तक के वो फिर समझ में आता था। वो जब एक दफ़ा आवाज़ खुल जाए ना, वो फिर कहता है कि ये आएगा बंदा दोबारा, ये अब दोबारा आया ना, तो उसने कहा ये फिर बंदा आएगा पक्का होके, ठीक है। और ये चीज़ें हैं, और नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। और एंड से मैं यहाँ पर आया शुरू में, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मोहम्मद आमिर को, अस्सलामु अलैकुम।